अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज हम आपको जिस मस्जिद का विज़िट करवाने लगे हैं, उस मस्जिद का नाम है मोहम्मद बिन अहमद बिन दलमूक। ये 2011 में इसका इफ्तिताह हुआ था। ये शारजा में है, मोहल्ला में। तो आइए मस्जिद के अंदर चलते हैं। बाहर मस्जिद के अहाते में ये खूबसूरत दरख्त, आप देख रहे हैं काफ़ी वसी है वज़ू करने की जगह, जिन पर काफ़ी नमाजी एक वक्त में वज़ू कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मिलती रहे। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है स्टार्टिंग में। एक ये भी डोर है। बहुत ही खूबसूरत और बड़ी मस्जिद है शारजा की। आइए मस्जिद के अंदर चलते हैं। मस्जिद के अंदर जाने की दुआ है। और ये सामने आप देख रहे हैं कि बच्चे खूबसूरत तरीके के साथ कारी साहब के इर्द गिर्द कुरान पाक को पढ़ते हुए। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मेहराब और मिंबर का मंजर। आपने हमारी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा कि मुख्तलिफ मसाजिद के मुख्तलिफ मेहराबों पर खूबसूरत काम किया जाता है। तो ये एक और खूबसूरत दिलकश मंजर आपके सामने।
مختلف کلرز میں خوبصورت ترتیب سے رکھے ہوئے قرآن مجید، یہ خوبصورت لکھی ہوئی آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، صدق الله العظيم. خوبصورت گنبد کا اندرونی منظر بڑا ہی پیارا اور دل نشین. آئیے یہ بھی ایک دفعہ آپ کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد، صدق الله العظيم. بہت ہی خوبصورت ریڈ کارپٹ،
मैंने अक्सर देखा है कि मस्जिद के बाहर काफ़ी तादाद में परिंदे जो हैं वो आ जाते हैं, तो ये एक खूबसूरत मंजर है जो कि आपकी आंखों के सामने है। तो दोस्तों, ये थी खूबसूरत मस्जिद जिसका आज हमने विज़िट किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको अल्लाह का ये घर कैसा लगा। अपनी दुआओं में हमें शामिल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और आपको हमेशा अपनी रहमतों के साए के नीचे रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।